हेलो एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। मैं हूं गौरव त्रिपाठी और हम लाइव हैं यूपीएससी के जीएस के सेक्शन को। मैं टॉपिक वाइज आपको समझा रहा हूं कि इसका सिलेबस क्या है, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं और उसकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो मैं आपको आज की क्लास में बता रहा हूं। लगातार हम लाइव हैं। इसके पहले मैं ज्योग्राफी और यूपीएससी में इकोलॉजी एनवायरमेंट का सेशन आपको बता चुका हूं और आज हम जो नया पॉइंट स्टडी करेंगे वो है इंडियन पॉलिटी, यानी भारत में जो संविधान या राज्य व्यवस्था है उसकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट जरूर कीजिए इस पॉइंट को। लेट्स स्टार्ट द क्लास। यूपीएससी एडवर्टीजमेंट 51 जीएस, और इसमें जो आज हम सेक्शन स्टडी करेंगे वो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। आपके सेक्शन में एक सिक्स टॉपिक है भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था, लेकिन हम बात करेंगे आज भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला पॉइंट जो है वो आता है सिलेबस का, सबसे पहला पॉइंट आता है डियर स्टूडेंट सिलेबस का। एक एक करके हम सिलेबस यानी विषय वस्तु को देखेंगे कि क्या आपके एग्जामिनेशन में है। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्रस्तावना। आपकी परीक्षा में प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसे उसमें प्रस्तावना की विशेषताएं, उसके बारे में कहे हुए कथन और उसमें जो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो पॉइंट जोड़े गए हैं, वो भी आपको इस क्वेश्चन में मिल सकते हैं प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परीक्षा कोई भी हो उसमें प्रस्तावना यानी प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्रस्तावना आपका पहला टॉपिक। उसके बाद मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, नीति निदेशक तत्व और फिर मूल कर्तव्य। ये जो पूरा सेक्शन है ना, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, इसे हम ऐसे कह लें कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 का या 51A इतना आपको रट लेना है। प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, इतना आपको रट लेना है एकदम। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हेजिटेशन आपको रखनी ही नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं, एकदम रट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और क्वेश्चन इससे 100% बनते हैं, पूछे जरूर जाते हैं, तो हेजिटेशन नहीं। सर जीएस बिल्कुल भी नहीं आता है, जीरो से स्टार्ट करना है, प्लीज हेल्प। बिल्कुल, मैं इसीलिए आपको हेल्प कर रही रहा हूं। हाँ, जीएस की पूरी चीजें हम आपको पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है सनी। नाउ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इंग्लिश मीडियम, बट मैं आपको कुछ बुक्स बता दूंगा जो आपको हेल्पिंग हो जाएगी। ये वीडियो ध्यान से देखते रहिए। आप देखिए
तो ये प्रस्तावना यानी आर्टिकल 51 to 51A, ठीक, इसी बात को हम दूसरे ढंग से करेंगे। इसके अलावा इसमें दो और हिडन भाग हैं जो यहां पे दिया नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनता है। हिडन पार्ट को मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, जैसे जितनी भी अनुसूचियां हैं, जितनी भी अनुसूचियां हैं 12 और भाग, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, जरूर याद कीजिए मैच वर्ड में किसी भी एक को उसके भाग या उसकी अनुसूची की मेंशनिंग में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक। तो हिडन पार्ट में कौन है, एक से क्या होने पहला, अनुसूचियां और भाग अक्सर पूछ लेता है, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या किसी विषय को पूछ सकता है कि यह किस अनुसूची में है। पहला पॉइंट हो गया। चलिए अब दूसरे सेक्शन में आते हैं। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है भारत की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें राजनीतिक व्यवस्था में तीन पार्ट है। दिया हुआ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पढ़ने से अच्छा है इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल। तो जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो केंद्र की कार्यपालिका पता लग जाएगी और जब राज्यपाल पढ़ेंगे तो राज्य की कार्यपालिका पता लग जाएगी, ठीक। उसके बाद आता है विधायिका। तो जो विधायिका वाला सेक्शन है उस विधायिका वाले सेक्शन में आप जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद या केंद्र पढ़ेंगे तो आपको केंद्र की विधायिका पता चल जाएगी। उसके अलावा जब आप राज्य विधायिका में, जिसे हम मुख्यमंत्री या राज्य में मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिपरिषद कहते हैं, तो केंद्र और राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कह सकते हैं, राज्य केंद्र और राज्य सरकार, ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। सरकार लिखना बहुत उचित तो नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि पढ़ना क्या है। तो केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री यानी उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसके कार्य इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, और यहां पर राज्य सरकार सिंपल स्टेट में जो मुख्यमंत्री है या तो प्रधानमंत्री के का केंद्र सरकार है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, और यहां पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और राष्ट्रपति और राज्यपाल का पढ़ेंगे तो आपको कार्यपालिका, इसे हम लिख सकते हैं कार्यपालिका, समस्त कार्यपालिकाएं शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। फिर इसे कहेंगे हम विधायिका, और फिर आता है न्यायपालिका। यह आता है न्यायपालिका, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ये तीनों आपको पढ़ना है। कौन कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, तीनों पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ये तीनों ही आपका सिलेबस है। अब आता है यहां पे सिलेबस में दूसरा, ये तो हो गया अनुच्छेद 51A, फिर राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र, राज्य सरकार और न्यायपालिका। इसके अलावा यूपीएचएससी
एडवर्टीजमेंट 51 में जीएस के सेक्शन में आज हम क्या समझ रहे हैं, भारतीय भारत का संविधान और इस भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम समझ रहे हैं सिलेबस। सिलेबस में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, नेक्स्ट पॉइंट वो है निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग। देखिए आप में दो ही चीज दिया हुआ है, निर्वाचन आयोग आयोग और लोक सेवा आयोग, इलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन, दो ही आपने सिलेबस में दिया है। लेकिन इसमें जो हिडन टॉपिक है वो आप जरूर पढ़ें, जैसे अलग से पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा बहुत ज्यादा है पंचायती राज, लेकिन इसमें दिया नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको मिस कर देते हैं या नहीं पढ़ते हैं। पंचायती राज जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरी है किसकी, पावर की, वो है पंचायती राज, जिसमें नगर पालिका और ग्राम पंचायत दोनों बातें हैं, यानी नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय दोनों। तो निर्वाचन आयोग लोक सेवा आयोग तो एकदम क्लियरली दिया हुआ है, ठीक, लेकिन पंचायती राज आपको पढ़ना है। इसके अलावा हिडन टॉपिक में एक टॉपिक और आता है, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ब्लैक से लिख रहा हूं, ये हिडन टॉपिक है, पढ़ के जरूर जाएंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं और संविधान सभा तथा संविधान निर्माण, ये हिडन टॉपिक है। ब्लैक से जो मैंने लिखा है वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जरूर पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त आपको भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी में कुछ विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला, फिर से एक बार हम आते हैं पीछे की तरफ, यूपीएससी 51 में हम जीएस के सेक्शन का सिलेबस देख रहे हैं, और आज जीएस में जो है जिसे हम ये भी कहते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था भी है। तो इसमें इस सिलेबस में पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रस्तावना, प्रियम्बल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल किसने क्या कहा है, प्रियम्बल में कौन सी चीज कब जोड़ी गई है, प्रियम्बल के लिए जो अलग अलग वाद हुए थे उन्हें भी आपको याद रखना है। उसके बाद मूल अधिकार जरूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो मूल अधिकार इंपॉर्टेंट है, ठीक। नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है तो आपको पढ़ना ही, ऑप्शन नहीं है। मूल कर्तव्य नहीं दिया था लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, इंपॉर्टेंट है वो, उसी क्रम में है, कुछ नहीं सोचना है। तो एडवर्टीजमेंट 51 में अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक सीधा सीधा अगर हम पढ़ने को कहें तो आर्टिकल 1 से लेके, हां उषा कुमार इसी क्लास ऐप पे ही है, ऐसी क्लास डेली होगी, ठीक है।
सर मूल कर्तव्य 100% आपको पढ़ना है, इसमें मिस नहीं करना है। इसमें हेड इन टॉपिक्स अनुसूचियां, अनुसूची एक से लेकर के अनुसूची 12 तक किस अनुसूची में क्या कहा गया है ये आपको याद रखना है। बहुत पूछा जाता है, मैच वर्ड हो, फैक्ट हो, कॉन्सेप्ट पूछते बहुत है, अनुसूची बहुत पूछी जाती है। फिर आता है भारत के संविधान के 2200 भाग, जो 22 भाग है ना वो आपको पढ़ना है, किस भाग में क्या कहा गया है, किस भाग में किसको मेंशन किया गया है ये भी पूछा जाता है, चाहे प्रस्तावना हो, सॉरी चाहे नागरिकता हो, या फिर नागरिकता दिया नहीं है पूछता भी नहीं है, चाहे मूल अधिकार और नीति विषय मूल कर्तव्य किसमें किस भाग में है ये पूछता है। फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल यानी कार्यपालिका, राष्ट्रपति के कार्य क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किसकी नियुक्ति कर सकता है ये पूछा जाता है। केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो जरूर पढ़ लीजिए, कुछ पढ़िए मत पढ़िए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कार्य, मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री और क्रम पूछ लेता है, यही चीज राष्ट्रपति में भी है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्रम ये जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्रम जरूर याद रखिएगा, बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्रम, बहुत बार पूछा गया है, ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। फिर केंद्र राज्य सरकार की विधायिका, केंद्र और राज्य सरकार आपको पढ़ना है, राज्य सरकार के कार्य मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद। फिर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, लोअर कोर्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पूछ लिया कि भारत की न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका के इसमें कौन कौन है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट तीनों अवेलेबल है। अब इसमें कौन अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, तो उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों है, लोअर कोर्ट नहीं है, ठीक। तो इस तरीके की बातें जो है वो आपके क्वेश्चन बनेंगी। अनुच्छेद, अच्छा ये जब चीजें पढ़ेंगे ना तो इन सबके आर्टिकल यानी अनुच्छेद याद करेंगे, इनके अनुच्छेद जरूर याद करेंगे, बहुत पूछा जाता है अनुच्छेद। जैसे नीति निदेशक तत्व में पूछेगा, मान लिया कोई वर्क दे दिया, बोलेगा अनुच्छेद इसका कौन सा है, ठीक। तो इस तरीके के पॉइंट पूछे जाते हैं, न्यायपालिका में अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। फिर इसी में निर्वाचन आयोग, अब निर्वाचन आयोग आया तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, यही चीज लोक सेवा आयोग है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग ये भी है उसमें। तो इस तरीके के उसके आर्टिकल, उसके काम, कौन उसके प्रेसिडेंट को एस्टैब्लिश करता है, कौन नॉमिनेट करता है, कौन नियुक्त करता है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। नहीं सनी, मैंने बताया इंग्लिश मीडियम में नहीं है, ठीक। फिर इसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, स्टार्टिंग आप अपने कोर्स की यही करेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताओं से, और इसी विशेषताओं को आप समझेंगे। फिर भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं और संविधान का निर्माण ये याद रखेंगे जरूर। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हाउ टू स्टडी How to prepare notes, इसमें भी आपको वही काम करना है जो कल मैंने बताया था। पहला करना है read the whole syllabus once, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ जाइए, कोई नोट्स उठाने की जरूरत नहीं, जितनी बातें लिखी हैं उसको पढ़ जाइए, और जिसमें आप यूज करेंगे किसका, अगर हो सके तो एनसीईआरटी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है कोई भी बुक, जैसे अब आपके स्तर पे जो एक अच्छी बुक आती है, बुक क्या है वो कलेक्शन है, वो है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है,
उस अतिरिक्त उस एक्सटर्नल में यानी अतिरिक्तांक में सब कुछ दिया हुआ है। उषा कुमारी जी सभी, उषा कुमारी सभी एक साथ ऐप पे नहीं लगाते हैं, धीरे 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 ऐप पे लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो अतिरिक्तांक है यानी एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल या अतिरिक्तांक आपको जरूर पूरी चीजें प्रोवाइड कर देगा और आपका लेवल जो है एग्जामिनेशन लेवल जो है उस पर आपको कंप्लीट। तो पहले क्या करना है, इनमें से कोई बुक ले लें एनसीईआरटी की, चाहे प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, ये जो सिलेबस है इस सिलेबस की बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसमें से ले सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी बुक मत लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस आपको कवर नहीं करना है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत सतही पूछे जाते हैं, ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत लेंदी बुक लेने का मतलब नहीं है। इसलिए मुझे प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक है तो बहुत सुटेबल लगता है, ठीक आपके क्लोज। फिर दूसरे स्टेप में करेंगे आपको आर्टिकल वाइज, आर्टिकल वाइज आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। आर्टिकल वाइज क्या बनाना है, नोट्स। हमेशा नोट बनाते समय आर्टिकल्स का ध्यान रखिएगा। आप जैसे जब भी कभी आप फंडामेंटल राइट्स बनाइए या फंडामेंटल ड्यूटीज बनाइए या डीपीएससी बनाइए, तो इनके आर्टिकल वाइज याद कीजिए, किस आर्टिकल में क्या 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 कहा गया है, यही इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर जितनी भी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों को एक दिन बैठिए, सबका नोट बनाइए किसमें क्या कहा गया है और हर एक पॉइंट का कीवर्ड, कीवर्ड जरूर ध्यान रखिएगा। अनुसूचियां बनाइए या भाग एक साथ एक पेज पे सारे 2200 भाग लिख दीजिए किस भाग में क्या कहा गया है और उनका कीवर्ड, ठीक ऐसे याद रखना है। कीवर्ड हमेशा याद रखिएगा क्योंकि पूरी लाइन आप याद नहीं रख पाएंगे, तो यहां पर कीवर्ड रखना आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रीवियस ईयर का सॉल्व करना हो तो कौन सी बुक लें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कोई भी मार्केट में अवेलेबल हो, ऐसा तो कोई बुक मुझे पता नहीं, बट मैं कोई भी जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन हर बार क्वेश्चन अपग्रेड कर रहा है तो बहुत आइडिया आपको उससे लग नहीं पाएगा। आप सिलेबस पढ़िए, आप क्वेश्चन पेपर कोई भी कर ले जाएंगे, सिलेबस पढ़ेंगे तो कर ले जाएंगे, क्वेश्चन बहुत सतही पूछे जाते हैं। अब भाग बैठ, एक दिन भाग बैठिए तो भाग का पूरा टॉपिक उसके बना डालिए और उस चीज को पढ़ लीजिए, बिना आर्टिकल के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत करेंगे, ठीक बिना आर्टिकल के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत करेंगे, इसलिए आर्टिकल के साथ आपको नोट्स बनाना है। और इसमें सहायता आपकी कर सकता है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट आता है मार्केट में अवेलेबल है, कैसे चार्ट आता है पूरा उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो आपकी बहुत मदद कर सकता है, वो आपकी बहुत मदद करेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट ले लीजिए और चार्ट को स्टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं देखूंगा तो किसी दिन मार्केट में विजिट करूंगा तब बताऊंगा, अभी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा वेट कीजिए, अभी प्रीवियस ईयर के लिए थोड़ा वेट कीजिए, बहुत सी किताबें पब्लिश होके आएंगी, थोड़ा सा वेट करें अभी। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ना चार्ट मिलता है मार्केट में, भारतीय संविधान का, ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आपकी मदद करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ही चार्ट में लिख दिया गया है, तो उस चार्ट को चिपका लीजिए और जो आपका सिलेबस है क्योंकि उसमें आर्टिकल वाइज भाग वाइज अनुसूचियां भी दी हुई है, आर्टिकल भी दी हुई है, यानी कि उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएंगी, तो अनुसूचियां भी मिल जाएंगी, आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे उसमें, और आपको जितने भी
भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट वाले दिया हुआ है, तो उसमें भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये चार्ट जरूर ले लीजिए, जैसे आप वॉल चार्ट लेते हैं ज्योग्राफी का, वैसे ही वॉल चार्ट आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेना है, वो आपको पूरी मदद करेगा, जो आपको पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सारी चीजें अवेलेबल करा देगा, और वन लाइन में लिखा हुआ है तो याद करने में आसानी होगा। फिर ये प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल बुक होगी, बहुत हेल्पफुल बुक होगी। इसके पीछे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन लगा भी सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हंड्रेड परसेंट उषा कुमारी, उससे ज्यादा पॉलिटी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना पढ़िए, नोट बना लीजिए, याद कर लीजिए, तो कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी, आप एक भी क्वेश्चन में सही नहीं होगा। तो आज हमने बात की यूपीएचईएसटी के जीएस के सेक्शन में, उसमें इंडियन पॉलिटी की बात की, मेनली पहले हमने उसके सिलेबस की बात की है, उसके बाद पूरा सिलेबस देखा है, हिडन टॉपिक्स को मैंने ब्लैक से लिख रखा है, आपके सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, तो मैंने उसको हिडन टॉपिक्स को ब्लैक से लिख दिया, ये भी अलग से याद रखिएगा। मान लिया आपके पास सिलेबस होगा तो आप उसमें इन टॉपिक्स को नहीं देखेंगे, लेकिन याद जरूर कीजिएगा। और फिर यहां पर बुक या तो आप एनसीईआरटी को ले सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट होगी, या बौद्धिक प्रकाशन की जो वाणी वाली किताबें आती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। क्या 30 में से 30 क्वेश्चन हो सकता है अनमोल? 30 में से 30 क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है, अगर आप पहले से प्रिपेयर हैं। 27-28 तक तो एस्पिरेंट ऐसे हैं जो मेरे गाइडेंस में थे, पिछली बार 27 क्वेश्चन तक करके आए हैं, बस उनका क्या था कि उन्होंने जब कोर्स लिया तो पहले मैंने उनसे कहा नोट्स बना लो, तो उन्होंने पहले ऐप पे जितने भी क्लासेस लगी थी सबको देख करके सबका नोट्स बनाया, और नोट्स बनाने के बाद वो फिर जब 3 महीने बाद वो विजिट करते हैं कि सर मेरा नोट्स प्रिपेयर हो गया, तो मैंने कहा जब नोट्स प्रिपेयर कर लिया तो ऑलमोस्ट आपकी, तो ऐसे स्टूडेंट ने 27 तक किया है, 27 तक हो सकता है, इसमें कोई 30 बहुत आपके साथ ऊपर वाला खड़ा होगा, आपके तुक्के भी सही हो गए, 28-29-30 भी हो सकता है, लेकिन 30 किसी का होता नहीं, ये बात भी क्लियर है। 27 तक किया जा सकता है, करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करिए और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कोर्स प्रिपेयर करिए, 27 तक हो सकता है, अगर तुक्के वगैरह सारे अच्छे हुए तो 28-29 भी हो सकता है। और फिर यहां पे ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया आपको कि आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जाते हैं, 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, रट लीजिए एकदम, 1 से 51 रटे रहिए, आपको ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। अनुसूचियां आपको इसी कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट जो है ना, जिनको जिन्हें नहीं भी किताबें खरीदनी हो, मैं उन सबसे कहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट ले लीजिए, 20 रुपए में आता है, उसको दीवार पे स्टिक कर लीजिए और पेन से ऐसे टिक करते पढ़ते रहिए, देखेंगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत सहायता मिलेगी। यूट्यूब पे मैं जो लाइव होता हूं उषा, वो यही मेरी 12-15 पे पीजीटी की क्लास ऑफलाइन खत्म होती है, उसके बाद मैं लाइव हो जाता हूं, ठीक है। तो ये आपको आज इंडियन पॉलिटी की क्लास में की जो सिलेबस डिस्कशन या उसकी मेन बातें थी वो आज मैं कर लिया। अब हम डेली क्लास होगी यूट्यूब पर, तो ये मेन पॉइंट जो थे आज हमने इंडियन पॉलिटी के देखे, अब मैं कल इंडियन इकोनॉमी के साथ आपको फिर सिलेबस डिस्कस कराऊंगा। लगातार हम करंट अफेयर्स का मैं कर चुका हूं संडे को, फिर ज्योग्राफी का किया है, फिर इकोलॉजी एनवायरमेंट का किया है, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कल इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है, उसके बाद रिसर्च और आईसीटी। रांची क्लास में इतना ही, प्रिपरेशन करते रहिए, थीसिस एकेडमी की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, गुड बाय एंड गुड लक।